नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात का एक ऐसा नगर मांडवी कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात का एक ऐसा नगर मांडवी जिसके इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। मांडवी नाम, उसका अर्थ क्या है? मांडवी अरब सागर से तटस्थ है और वर्षों से नाव निर्माण की परंपरा इस नगर में पाई जाती है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो मांडवी एक प्राचीन बंदरगाह रह चुकी है। मांडवी के नाम के रोचक तत्व के बारे में आज जानते हैं। मांडवी नाम का अर्थ क्या है? मांडवी नाम का अर्थ रामायण से जुड़ा है। जी हाँ, मांडवी रामायण के भरत की पत्नी का नाम है। भरत यानी श्री राम के भाई। जी हाँ, मैं उसी रामायण के भगवान राम के भाई के बारे में बात कर रही हूँ। भगवान राम के भाई भरत, जिनकी पत्नी का नाम है मांडवी, और इसी नगर का नाम भी मांडवी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मांडवी कच्छ के खाड़ियों में स्थित अपनी मनोहरी सुंदरता के लिए सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सफेद बालू से सजा हुआ ये तट सैलानियों को खुला आमंत्रण देता है यहाँ पर पधारने के लिए। खुशबू है गुजरात की। आज इसी बंदरगाह के नगरी मांडवी, जिस पर आज एक खूबसूरत सा पुल यानी ब्रिज, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। ये पुल रुक्मावती नदी के ऊपर बनाया गया है। इस नए पुल की लंबाई लगभग 199.20 मीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 14 मीटर है। इस नए पुल के नव निर्माण के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ 28 लाख रुपए का खर्च किया गया है। ये नव निर्माण पुल मांडवी के रुक्मावती नदी के ऊपर ऐतिहासिक पुल के बिल्कुल करीब बनाया गया है। आज इस नव निर्माण पुल का लोकार्पण किया गया है। इस पुल के लोकार्पण के लिए देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी डिजिटल मीडिया वर्चुअल हाजिरी रहकर इन्होंने लोकार्पण में हाजिर हुए, तथा मांडवी मुंद्रा के विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जाडेजा जी ने अपने हस्ते इस नव निर्माण पुल का आज लोकार्पण किया और लोगों के लिए इस पुल को आज खुला कर दिया गया। नव निर्माण पुल के लोकार्पण के कार्यक्रम में आज मांडवी नगर के अध्यक्ष हेतलबेन सोने जी, मांडवी शहर के भाजप प्रमुख श्री देवांग भाई दवे जी, मांडवी तालुका के भाजप प्रमुख श्री सुरेश भाई संगार जी, मांडवी तालुका पंचायत के प्रमुख श्री नीलेश भाई महेश्वरी जी, गंगाबेन सेंघाणी, भचाओ के पूर्व नगरपति श्री कुलदीप सिंह जाडेजा जी, साथ में राजेंद्र सिंह जाडेजा, नायब कार्यपाल इंजीनियर श्री कल्पेश भाई नाई, साथ में मयंक सा के सहित तालुका पंचायत के कार्यकर्ता, नगर सेवक, सरपंच और नगरजनों के साथ बहुत ही भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आइए देखते हैं पूरा ब्यूरो रिपोर्ट। सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। धन्यवाद। आज मांडवी माटे अने समग्र गुजरात माटे गौरवनो दिवस कही शकाय, कारण के आपणे सौ हमणां निहाळ्युं के आ माननीय मुख्यमंत्री श्री વિજયભાઈ સાહેબ અને માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈની સરકારને 5 વર્ષનો સમયગાળો પૂર્ણ થયો હોય ત્યારે એની સેવા સપ્તાહની જે એક કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યા છે, તો આજે વિકાસ દિન નિમિત્તે સમગ્ર ગુજરાતભરમાં 5300 કરોડના કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત માન્ય આપણા દેશના ગૃહમંત્રી અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, આપણા નીતિન ગડકરીજી તેમજ માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈના
વરદ હસ્તે વર્ચ્યુઅલી કરવામાં આવ્યા, જેમાં માંડવીનો રૂકમાવતી નદી ઉપરનો બ્રિજનું પણ રૂપિયા 13 કરોડના ખર્ચે આજે તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે માંડવીનગરમાં ખૂબ જ ઉત્સાહનો માહોલ છે. આ માંડવીનગરનો મુખ્ય પુલ, માંડવી શહેરને જોડતો પુલ, જે 135 વર્ષ પહેલાં કચ્છ મહારાવશ્રી દ્વારા બનાવવા આવેલ, ત્યારબાદ તે ખંડિત હોતા માંડવી શહેરની લગભગ છેલ્લા 25-30 વર્ષની સતત લાગણી અને માંગણી હતી કે આ બ્રિજનું કામ સત્વરે કરવામાં આવે, ત્યારે ધારાસભ્ય શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા સાહેબના પ્રયાસોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દ્વારા આ એક ખૂબ સારું માંડવીને નજરાણું કચ્છના નવા વર્ષમાં આપવામાં આવ્યું છે, ત્યારે મને મુખ્યમંત્રીશ્રીનો અને નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અને આજે માંડવી શહેરમાં એક અનેરા ઉત્સાહ અને આનંદનો માહોલ છે.